डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती को लेकर एक बार बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार जितेंद्र कपूर का एक ऐसा स्टेटमेंट सामने आया था जो काफी चौंकाने वाला था। उस स्टेटमेंट की हम फिर बात करना चाहेंगे। मिथुन को देखकर जितेंद्र ने कह दिया था, अगर ये हीरो बन गए तो मैं मुंबई ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मिथुन बहुत ही ज्यादा सांवले थे, उन्हें काला कह दिया था जितेंद्र ने। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, जरा सोचिए। उस वक्त की ये बात है, अपने काले रंग की वजह से काफी ताना सुनते थे मिथुन चक्रवर्ती। और तो और बताना चाहेंगे, मिथुन की जिंदगी के कई ऐसे किस्से हैं जो जितेंद्र को लेकर काफी बड़े हैं। मिथुन के लुक्स को लेकर जितेंद्र ने ऐसा कहा था, कोई यकीन नहीं कर पाता। आज भी मिथुन और जितेंद्र ऐसे एक समय के बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन इनके बीच ऐसी टक्कर होगी किसी ने सोचा नहीं। फिरोज खान बॉलीवुड के चमकते सितारे जब बन चुके थे, उस वक्त की बात है। मिथुन चक्रवर्ती काम के लिए तब स्ट्रगल कर रहे थे। फिरोज एक पॉपुलर एक्टर ही नहीं बल्कि मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर भी थे। यही वजह थी कि वो अपनी फिल्मों में वह कास्टिंग बड़ी ही सोच समझ कर करते थे। उस वक्त फिरोज खान कुर्बानी फिल्म बना रहे थे और उस किरदार के लिए बड़ा ही दमदार किरदार भी ढूंढ रहे थे। फिल्म कुर्बानी के लिए फिरोज खान की पसंद अमिताभ बच्चन ही थे, तो अमिताभ बच्चन ने साफ मना कर दिया था। फिर फिरोज खान ने इसके लिए तैयार होकर मिथुन चक्रवर्ती से मिलने का फैसला लिया। और तब कहा जाता है कि वह हीरो नहीं बल्कि विलेन बनने के लायक भी नहीं है, ये कह दिया था फिरोज ने मिथुन चक्रवर्ती को लेकर। हैरान करने वाली बात है कि मिथुन का दिल तो तब टूट ही गया था, वहाँ से वो निकल पड़े थे। तो ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि मिथुन चक्रवर्ती के लिए जितेंद्र का भी ऐसा बयान सामने आया था जो काफ़ी हैरान कर देने वाला था। जी हाँ, मजाक उड़ाते हुए मिथुन के रंग का जितेंद्र कह बैठे थे। ऑफिस जहाँ पर जितेंद्र भी थे, जब मिथुन आए थे काम पाने के लिए एक निर्माता के ऑफिस, तो वहाँ उन्होंने कहा, अगर ये काले को अगर हीरो के लिए फिल्म मिल जाए तो मैं मुंबई छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने इस तरह से मिथुन का काफ़ी मजाक बनाया। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।